दोस्तों आज हम बात करेंगे जुनैद सुल्तानी के लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों जुनैद सुल्तानी का जन्म 22 फरवरी सन 1991 को भारत में हुआ था। जुनैद सुल्तानी एक भारतीय कलाकार हैं जो मुख्य रूप से सूफी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनका ताल्लुक संगीत के रामपुर सहसवा घराने से है। चलिए दोस्तों अब आपको कुछ इनके गुरु के बारे में बताते हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान इनके गुरु के साथ साथ इनके चाचा भी हैं, जिन्हें सन 1991 में पद्मश्री अवार्ड और सन 2003 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और सन 2006 में पद्मा भूषण अवार्ड और सन 2018 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों शायद आप नहीं जानते होंगे कि 50 के दशक के समय से वह आशा भोसले, मन्ना दे, कमाल बरोट, वाहिदा रहमान, रानू मुखर्जी, गीता दत्त, एआर रहमान, हरिहरन, शान, सोनू निगम, सना मोइदत्ती, जुबिन गार्ग, जोंकी बोई ठाकुर, बिठाली दास, सागरिका, अलीशा चिन्नॉय, शिल्पा राव और कल्पना पटवारी उनके छात्रों में से एक थे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी लोग उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के छात्र थे। तो ये थी उनके गुरु की बात। अब आइए एक बार फिर से चलते हैं जुनैद सुल्तानी की तरफ। दोस्तों जुनैद सुल्तानी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से बिलोंग करते हैं और कव्वाली में उनकी जन संपादन पृष्ठभूमि है, यानी बहुत ही रिच बैकग्राउंड है। और वह छोटे बड़े सरकार बदायूं के दस्तरबंद कव्वाल रहे हैं। उनके स्वर्गीय दादा वाहिद अहमद सुल्तानी और उनके स्वर्गीय पिता रफीक अहमद सुल्तानी भी कव्वाली की परंपरा के ही थे। वह अपने समय के एक बहुत प्रसिद्ध कव्वाल जिनका नाम जाफर हुसैन बदायूनी है, रिश्ते में उनके पोते लगते थे। जुनैद सुल्तानी सूफी गायिका के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिसमें पश्चिमी बैंड के साथ फ्यूजन भी शामिल है। वह पिछले 20 सालों से पूरे देश और दुनिया में परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उनके काम को पसंद करने वाले बहुत सारे फैंस और चाहने वाले हैं, जो खासकर गुजरात, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, कोंकण और चिंडवाड़ा के हैं। साउथ अफ्रीका और दुबई में भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जहां उन्होंने अलग अलग शहरों में ओपी लेवल का परफॉर्मेंस दिया है, यानी कि ओवर पावर परफॉर्मेंस। उन्होंने पल्स फेस्टिवल एम्स दिल्ली, जामिया हमदर्द के 30 साल के जश्न और जश्न अदब और बज़्म उर्दू दुबई जैसी कई आदरणीय संगीत सम्मेलनों और साथ ही साथ कॉलेज फेस्टिवल्स के लिए भी परफॉर्मेंस किया है। जुनैद सुल्तानी ने अपनी मधुर और मीठी आवाज से सूफी शैली की दुनिया में सही मायने में अपनी पहचान बनाई है। साउथ अफ्रीका में प्रोग्राम फिक्स करने वालों में से एक के द्वारा दिया गया यह एक बयान है कि सच में जुनैद सुल्तानी सूफी गायकी के सुल्तान है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ उनकी बहुत सारी ऑडियो कैसेट्स आने वाले हैं, जिस पर वो शूटिंग के काम भी चालू हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, जुनैद सुल्तानी की कुछ कव्वाली भी रिकॉर्ड हैं, जैसे ऐसा है मेरा पीर, सुल्तान है मेरा पीर, हक निभाना मेरे हुसैन का है, मददगार है ख्वाजा, इन जैसे और भी कव्वाली गाई है जो सुपर हिट हुई है, लोगों ने बहुत पसंद किया है और खूब सारा प्यार दिया है। दोस्तों इनकी एक कव्वाली है जिसमें जुनैद सुल्तानी बहुत छोटे हैं, जिसमें कई लोग तो उन्हें जानते हैं और कई लोग उन्हें जानते तक नहीं थे। दोस्तों वो कव्वाली था ऐसा है मेरा पीर, सुल्तान है मेरा पीर, सुल्तान है। दोस्तों इस कव्वाली को गाते समय जुनैद सुल्तानी काफ़ी छोटे थे, यानी उनकी उम्र उस समय बहुत कम थी। जी हाँ दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी कम उम्र से कव्वाली गाते थे। दोस्तों चलिए अब उनके YouTube चैनल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप लोग ने सुना होगा कि जुनैद सुल्तानी का YouTube पर एक चैनल भी है। अगर आपने सुना है तो ठीक है, और नहीं सुना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जुनैद सुल्तानी का YouTube पर जो चैनल है उसका नाम है जुनैद सुल्तानी सिंगर। बात करें उनके सब्सक्राइबर की तो उस पे 55,000 तक के सब्सक्राइबर हैं, और अगर व्यूज़ की बात करें तो लगभग लमसम 10 मिलियन व्यूज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों जुनैद सुल्तानी भारत के बेस्ट कव्वाल में से एक हैं, जो कि सूफी कव्वाली गाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उनके इनकम के बारे में। तो दोस्तों उनकी एग्जैक्ट इनकम तो हमें नहीं पता, और YouTube से उनका कितना बनता है इस बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन
हम आपको इतना बता देंगे कि जुनैद सुल्तानी किसी भी कार्यक्रम को करने के 80 से 1 लाख रुपए तक का चार्ज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी आज की ये लाइफस्टाइल वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।